2024 के आम चुनाव में देश की कुछ सीटों पर लोगों की निगाहें होंगी। महाराष्ट्र की नागपुर सीट इनमें से एक है। बता दें कि 2019 में इस सीट से मौजूदा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी चुनाव जीते थे। इस रिपोर्ट पर देखिए। 2024 के आम चुनावों में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजरें होंगी उनमें से एक महाराष्ट्र की नागपुर सीट है। 2019 में इस सीट से मौजूदा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जीते थे। नागपुर की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखने वालों का मानना है कि बीजेपी इस बार यहां से उम्मीदवार बदल सकती है। अगर काम पर अगर फैसला होगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी से गडकरी जी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन जैसा पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हम लोगों को देखने मिला कि इनके आला कमान, बीजेपी के आला कमान ने वहाँ के प्रतिष्ठित सांसदों ने मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को इस बार राज्य में भेजा है, तो यह भी संभव है कि गडकरी जी को महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजनीति में ले जाया जाए और यहां से किसी और को टिकट दिया जाए। 2014 में नितिन गडकरी के जीतने से पहले इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस को यहां अपना उम्मीदवार चुनने में पूरी सावधानी बरतनी होगी। कांग्रेस ने भी ये भली भांति लोग भी जानते हैं कि ये पुराना कांग्रेस का गढ़ है। नागपुर लोकसभा, यानी लोग बोलते थे कि यहाँ पे पत्थर भी आप उछाल दो तो कांग्रेस के ही लोग निकलेंगे। तो इस समय 2024 का जो इलेक्शन का दौर अभी आने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि नागपुर एक चर्चित मतदार संघ रहेगा और इसमें कांटे की टक्कर होगी। अगर बीजेपी किसी नए चेहरे का चुनाव करती है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नागपुर सीट के पूरे समीकरण रखना ही होगा। कांग्रेस से कोई ऐसा दमदार नेता नहीं है जो नागपुर सीट से कांग्रेस को विजय दिला सके। यही कारण है कि कई तरह के नाम इन दिनों चर्चा में हैं और खासकर यहाँ का जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखता है। दलित, कुनबी, मुस्लिम, ये ऐसा एक है, कहने को हम कहते हैं कि भाई हम यहाँ जातिगत राजनीति नहीं होती या वोट नहीं डलते, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इस तरह के कुछ परिणाम जो हैं वो हमें सामने आए हैं। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है। संतरों के लिए मशहूर महाराष्ट्र का ये शहर दलित समुदाय के लिए भी खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने लाखों समर्थकों के साथ 1956 में यही बौद्ध धर्म अपनाया था। जानकारों का मानना है कि नागपुर दो अलग अलग विचारधाराओं का गढ़ है। यहाँ पे एक अलग डीएमके है। ये डीएमके ने दलित, मुस्लिम और कुनबी, ये अलग डीएमके का एक थ्योरी जो है वो नागपुर मतदार संघ में चलती है। तो यहाँ पे दो श्रद्धा स्थल जो है वो है, एक तो दीक्षा भूमि है, एक तो संघ भूमि है। तो ये पुराने काल से हम देख रहे हैं कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई नागपुर मतदार संघ ने देखी है, और इस विचारधाराओं की लड़ाई में अभी फिलहाल 2024 में भले ही ओबीसी का मुद्दा चलेगा, लेकिन विकास का दौर जिसको बोलते कि वो यदि ज्यादा उछाला जाएगा तो ओबीसी का मुद्दा कट सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर बीजेपी गडकरी को फिर से मैदान में उतारने का फैसला करती है तो उनकी जीत की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनकी छवि एक विकास नेता के तौर पर बनी हुई है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर नागपुर हवाई अड्डे के विस्तार का वादा पूरा ना होना, बेरोजगारी और ओबीसी समुदाय में बढ़ती नाराजगी जैसे मुद्दे कांग्रेस सामने लाती है तो बीजेपी की राह आसान नहीं होगी।